हावड़ा हिंसा पर भड़की स्मृति ईरानी पूछा कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेंगी ममता बनर्जी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने सीएम ममता बनर्जी पर पत्थरबाजों को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्थरबाजों को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेंगी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि यह पहली घटना नहीं है जो ममता के कार्यकाल में हुई है। इससे पहले 2022 में लक्ष्मी पूजा पर जब दलित पूजा कर रहे थे तो उन पर हमला किया गया था, उस समय वे चुप थी। आपको बता दें कि गुरुवार को रामनवमी के जश्न के बीच हावड़ा में दो गुटों के बीच हुई झड़प में कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। जुलूस के दौरान दंगाइयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल सरकार ने रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा की जाँच शुक्रवार को आपराधिक जाँच विभाग सीआईडी को सौंपती है। पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी सुनील चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने जांच शुरू की है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बात की और हावड़ा में भड़की हिंसा की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी फोन पर बात की थी और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से जांच कराने की मांग की है।